तो बिहार विधानसभा की चार सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है और इन चार सीटों पर उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ती दिख रही है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन सभी दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन यात्रा की तारीख तय है। खास बात ये कि 16 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों का भी अभियान शुरू हो रहा है, जिसे सियासत का बड़ा बुधवार माना जा रहा है। बिहार में नीतीश कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 और 9 अक्टूबर को बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पटना में मौजूद थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनका कोई कार्यक्रम तय नहीं था। बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। एनडीए के नेता ऐसी किसी मुलाकात पर अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताकर इससे इनकार नहीं कर रहे। मंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, मंडल विस्तार ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। भले ही बीजेपी और जेडीयू के नेता बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हो, लेकिन हमारे पास जो सूत्र से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार बीजेपी प्रभारी 8 और 9 अक्टूबर को पटना में मौजूद थे, लेकिन बीजेपी का कोई कार्यक्रम उनके साथ नहीं लगा था। सूत्र ने यह भी बताया कि इस बीच विनोद तावड़े की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उन दोनों के बीच में बात हुई है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। कुल सदस्य संख्या के 15% को मंत्री बनाया जा सकता है। प्रावधान के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हैं, यानी सरकार में 6 और मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बिहार एनडीए में फिलहाल 4 पार्टियां शामिल हैं और कैबिनेट में जेडीयू, बीजेपी और हम के सदस्य हैं। बीजेपी कोटे से 15 मंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री को छोड़कर जेडीयू कोटे से 13 मंत्री हैं। नए लोगों को मंत्री बनाकर समीकरण साधने की कोशिश हो सकती है। अब देखिए, कैबिनेट का पुनर्गठन, कैबिनेट का विस्तार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जब वो आवश्यक समझेंगे, आप सबों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। आधिकारिक तौर पर इसके संबंध में पार्टी को कोई जानकारी नहीं है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी तंज कस रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार कुछ महीनों की मेहमान है, वह मंत्रिमंडल विस्तार करे या मुख्यमंत्री बदल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और A to Z वाला मंत्रिमंडल बनेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार करे या कुछ करे, अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाते हैं किसे नहीं बनाते हैं, ये एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन बिहार की जनता अब एनडीए के साथ जाने को तैयार नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव जी का मॉडल पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई वाला यही चलेगा। अब जनता पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ है, ये दिख रहा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार दीपावली से पहले हो सकता है और जिन 6 लोगों को जगह मिलेगी उनमें 3 बीजेपी और 3 जनता दल यूनाइटेड के कोटे से होंगे। ऐसा इसलिए कि 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू अपर हैंड में दिख रही है। सूत्र ने यह भी बताया कि भाजपा कोटे से जो 3 मंत्री बनाए जाएंगे उनमें से 1 राजपूत, 1 यादव और 1 अति पिछड़ा समाज का होगा। अब देखना यह है कि इन दोनों के बीच जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हुई है, तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब तक होता है। कैमरामैन सुनील के साथ नीलकमल, कशिश न्यूज़, पटना।